जयश्राम यादव जो जो ग्राम सराय अचल गोलावारी के रहने वाले हैं, इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। उन संपत्तियों को इनके कुर्क की जा रही है। आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिए, ये जो कुर्क की गई संपत्तियों का ये उपभोग नहीं करेंगे। खबर सुल्तानपुर से है, जहां जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट में फरार अपराधी को जिलाधिकारी के आदेश पर करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर दिया गया है। दरअसल यह पूरा मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के सराय अचल गांव का है, जहां के रहने वाले जयेश राज यादव पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज होने के बाद पुलिस रिपोर्ट पर जिलाधिकारी के आदेश पर अपराध से अर्जित हुई संपत्ति को कुर्क करने का आदेश पारित किया गया। जिलाधिकारी के आदेश पर दो थानों की फोर्स के साथ SDM लमुआ, CO लमुआ की मौजूदगी में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की 3,83,00,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया। ये कुर्क की गई संपत्ति अब उप जिलाधिकारी लमुआ के अधीन होगी। श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर के आदेश दिनांकित 8/6/2022 के क्रम में थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 161/21-2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत 14-1 की कार्यवाही का आदेश गैंग लीडर जयसराज यादव शनाफ स्वर्गीय तुलसीराम यादव के विरुद्ध अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति जिसकी कुल कीमत 3,73,00,000 रुपए आंकी गई थी, उसको कुर करने का आदेश प्राप्त हुआ था। उसका अनुपालन आज प्रशासन के माध्यम से सुनिश्चित कराया गया है। इसके प्रशासक उप जिला मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया है, उन्हीं के अधीन यह कुर की गई संपत्ति रहेगी।